खतियानी और गैर खतियानी की बात वास्तव में नहीं होनी चाहिए थी। जिला अध्यक्ष जो नियुक्ति हुए हैं उमेश गुप्ता जी, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है चास बोकारो में, कोई 10 आदमी इनको नहीं जानने के लिए और पार्टी का झंडा ढोने के लिए खाली बचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए आप, किसी भी कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता को आप पूछिए कि आप उमेश प्रसाद गुप्ता को जानते हैं, कि जिस दिन से वो बोकारो में जिला अध्यक्ष नियुक्ति हुए हैं, कांग्रेस का माहौल को देख लीजिए। जब तक रहेगा बोकारो में जिला अध्यक्ष बना हुआ रहेगा, पार्टी दिन प्रतिदिन डैमेज ही होगी, सुधार नहीं। इस बार गांव से खदेल के निकालेगा, बाहर करेगा, और जोटे कोरो लो सब मने सत्यानाश ले जीतो कांग्रेस। मैं एआर बोकारो में और ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज है हमारे बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता राकेश शर्मा जी। जब से हमारे बोकारो जिला का जिला अध्यक्ष बना है उमेश प्रसाद गुप्ता जी, तब से कहीं ना कहीं एक मुद्दा को अक्सर देखा जा रहा है, खतियानी और गैर खतियानी, और इसको लेकर लोग अक्सर सवाल करते हुए पाए जा रहे हैं। हमारे बीच में राकेश शर्मा जी हैं। अच्छा राकेश जी, बताइए कि आप सोशल मीडिया पर, आपका मैंने एक पोस्ट देखा था और उसी की आवाज़ में आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने खतियानी और गैर खतियानी, ये तो नेशनल पार्टी है और इसमें अगर खतियानी गैर खतियानी की बात अगर की जाए तो ये पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं? सबसे पहले मैं ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए यहाँ खतियानी और गैर खतियानी की बात वास्तव में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे 9 जिला अध्यक्ष जो नियुक्ति हुए हैं उमेश गुप्ता जी, ये मैंने पूरा ग्रामीण क्षेत्र में, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है चास बोकारो में, कोई 10 आदमी इनको नहीं जानता है, हैं, और ना ही ये जितना हमारे लोकल के नेता हैं, जितना प्रोग्राम किए हैं, चाहे जितना भारत जोड़ो से लेके अभी तक जितना प्रोग्राम किए हैं, उसका ये 1% भी कहीं कुछ नहीं किया है। वैसे लोग जिनका कुछ नाम नहीं, जिसका पार्टी से कोई इंटरव्यू नहीं, वैसे लोगों को यहाँ जिला घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब खाली यहाँ के लोकल पार्टी का दरी बिछाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए और पार्टी का झंडा ढोने के लिए खाली बचा हुआ है। वो जिला अध्यक्ष जो घोषित हुए हैं हमारा, वो ओबीसी में पहले जिला अध्यक्ष थे, वो आज तक कभी कोई टीम का गठित किए हैं ओबीसी में? देखिए आप, या तो वो ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप किसी भी कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता को आप पूछिए कि आप उमेश प्रसाद गुप्ता को जानते हैं। अगर हम लोग उसको 2024 में गांव घर में ले जाएंगे चुनाव में, तो हम लोग को लोगों से परिचय करना पड़ेगा कि ये उमेश प्रसाद गुप्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। बस ऐसे पैराशूट वाला जिला अध्यक्ष हमारे बोकारो में बने हैं, बने हैं, ठीक है। आपका कहना है कि गांव में इनकी पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, लोग गांव के लोग नहीं जानते हैं, तो फिलहाल ये पद के लायक नहीं है आपके हिसाब? नहीं है, ये पद के लायक नहीं है, और ना पार्टी इनको कौन बिहेव से बना दिया, वो भी मैंने कार्यकर्ता सारा आश्चर्यचकित है पूरा बोकारो में। आप और एक चीज़ देखिए कि जिस दिन से वो बोकारो में जिला अध्यक्ष नियुक्ति हुए हैं, कांग्रेस का माहौल को देख लीजिए। बिल्कुल वो जितना प्रोग्राम किए हैं उसको आप देख लीजिए, एक भी कांग्रेसी आपको उस प्रोग्राम में नहीं दिखाएगा। वो भाड़ा से आदमी लाता है, देखिए कोई उसको उमेश ठाकुर जिंदाबाद, कोई जी जी, कोई उमेश गुप्ता जिंदाबाद, कोई समय में राजेश्वर ठाकुर का भाई बना देता है। वैसे वैसे पब्लिक आता है प्रोग्राम में जो उनका नाम तक नहीं जानता है। तो फिलहाल मतलब ये जो खतियानी और गैर खतियानी के बीच में जो आक्रोश है, आप उसको बताना चाहते हैं? देखिए खतियानी जीवन भर मेहनत किया है, ये लोग कहाँ से, ये लोग तो उड़ के आया है, आज 10 साल पहले आया है, लेकिन हमारे हम थे, उससे पहले हमारा बाप था, उसके बाद पहले हमारा आजा था, ये लोग जीवन भर मेहनत किया है इसी मिट्टी के लिए, बोकारो के लिए, चंदन क्यारी के लिए, चास के लिए, और ये लोग पैराशूट के तरह आते हैं पार्टी में सेटिंग करते हैं वो जिला अध्यक्ष। वर्तमान में जो मनोनीत है जिला अध्यक्ष है उमेश प्रसाद गुप्ता जी, उनको मैंने चेंज होना चाहिए को लेकर आप लोग फिर से आंदोलन करेंगे। अरे जब तक रहेगा बोकारो में जिला अध्यक्ष बना हुआ रहेगा, पार्टी दिन प्रतिदिन डैमेज ही होगी, सुधार नहीं होगी।
एक सच्चे कांग्रेसी होने के नाते आपको कह रहा हूँ। वो तो कह रहे थे कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी। देखिए अभी गांव में 32 का लहर है, सब 32 चाह रहा है, 85 वाला जाइएगा। हम लोग को कांग्रेस इस बार गांव से खदेड़ के निकालेगा, बाहर करेगा। वोट मांगने हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे ना, हम लोग को खदेड़ के बाहर करेगा। वो 10 गांव का नाम बता दे तो हमको, 10 पंचायत का नाम बता दे तो, वो 10 पंचायत का नाम बता नहीं पाएगा, 10 गांव का नाम नहीं बता पाएगा। वैसे लोग यहाँ जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। शहर में कुछ बेहतर काम क्या हो? शहर में आप शहर में भी किसी से आप पूछिए कि उमेश गुप्ता जी कौन सा बेहतर काम किए हैं शहर में, ये कभी कुछ किसी भी प्रोग्राम में हम नहीं देखे हैं इनको आज तक। उसका नेतृत्व करते हुए भी नहीं देखे, ना कोई प्रोग्राम का संचालन करते हुए देखे, ना आज तक उसके पीछे हम 10 कार्यकर्ता को भी देखे हैं। वो भी नहीं देखो ले पिछुआ में 10 को कार्यकर्ता वो नहीं देखो ले। ये तो बोकारो की जनता के लिए लग रहा है कि जो आप निरंतर काम करते हैं, तो यहाँ की जो पब्लिक है उनको लेकर निराशाजनक जो बातें आ रही है सारा पब्लिक में निराशाजनक है। और आप देख सकते हैं वो जितना भी प्रोग्राम कर चुके हैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद, सारा प्रोग्राम खत्म है उनका, एक भी प्रोग्राम सही ढंग से नहीं हुआ है। आप देख लीजिए जितना प्रोग्राम हुआ है, आज जोटे कोरोल हो सब माने सत्यानाश लो जीतो कांग्रेस के। यहाँ जिला अध्यक्ष बन गलो ना, जितना यहाँ कुछ भेल हो सब सत्यानाश लो जीतो। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में जो आक्रोश देखा जा रहा है कि खतियानी और गैर खतियानी को लेकर, खतियानी आंदोलन जोरदार चल रहा है हमारे झारखंड में। हर एक बच्चा अपने हक अधिकार को समझ रहा है कि आखिर हमारी हमें हक अधिकार क्यों नहीं मिला। पिछले 22 सालों से लोग निरंतर आंदोलन करते जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर किसी गैर खतियानधारी को अगर जिला अध्यक्ष बनाते हैं तो उसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। और कई दिनों से राकेश शर्मा जी से मेरी बातचीत हो रही थी, ये हमेशा आक्रोश दिखाई दे रहे थे कि आप सिर्फ नेता लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हमारा नहीं लेते हैं, तो कार्यकर्ता लोग क्या आपको अच्छा नहीं लगते हैं। तो तमाम बातों को देखते हुए मैंने इनका बात सुनाया, और क्या इनकी बात से आप लोग सहमत हैं अपना जरूर लाइक कमेंट रखिएगा। और मैं आप लोगों का छोटा भाई लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जय झारखंड।